Hello student, today we complete our 6th chapter of class 8. He dipped his fingers in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth. Usne apni fingers se milk mein duboi, apni fingers milk mein duboi aur namak shavak ke narm gile muh mein ghusod di, yani dal di. इट सुकड़ा ग्रीडली, उसने ग्रीडली लालच तरीके से उन्हें चूस लिया. वेन द विड्रो दैम इट ब्लिटेड फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम. जब उसने उन्हें निकाल ली तो वह बेचैनी से मिमियाने लगा और झटका दिया. ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन एंड एज द फॉन सुकड़ा ही लोअर दैम स्लोली इन टू द मिल्क. उसने वापस अपने फिंगर्स डुबोए मिल्क में और जैसे ही फाउन ने उन्हें चूसा वह उन्हें धीरे से दूध की तरफ नीचे ले गया. द फाउन ब्लू एंड सुकड द स्नॉटेड. जो फाउन था उसने फूक मारकर बुलबुले बनाए और चूसा और गुराया. इट स्टैम्ड इट्स स्मेल हुफ्स इम्पेशेंटली एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क. द फॉन वॉज कंटेंटेड. उसने अधीरता से अपने छोटे छोटे खुर ठक ठकाए जब तक वह अपनी फिंगर दूध में डुबो रखता था. फॉन संतुष्ट रहता था. इट क्लोज्ड इट्स आईज ड्रीमली. उसने अपनी आंखें ड्रीम देखते हुए बंद कर ली. इट वॉज स्टैशी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड. दूध को बचा हुआ भाग जाग के गोले में और गटगट की आवाज में. इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फॉर्थ द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश इट्स इन ए स्वर्ल ऑफ फॉर्म एंड गुर्गलिंग. फिर उसने अपने हाथ पर अपनी जीभ को अनुभव करके उसे अत्यधिक आनंद प्राप्त हुआ. उसकी छोटी पूंछ आगे पीछे हिलती रही और वह दूध का जो बचा हुआ भाग था उसे जाके गले में और गटगट की आवाज़ में पीता हुआ खो गया, यानी सारा दूध उसने पी लिया. हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है. इसके क्वेश्चन आंसर्स रिटर्न में दे दूंगी. अब हम एक्टिविटीज करेंगे. लुक एट दिस पेयर्स ऑफ सेंटेंस. ये हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे रखे हैं तो हमको कम करने हैं. फर्स्ट है पेनी सेड डू यू रियली वांट ईट सन. तो इसका बनेगा पेनी सेड की जगह आस्क्ड हो जाएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. ये सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए आस्क्ड आएगा सब में. पेनी आस्क्ड जो आपको पता होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हुए तब ये जो कोमा आता है उसको हटा दिया जाता है और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में हम लिखते हैं. पेनी सेड की जगह आस्क्ड. यू उसके वो किसी और को बोल रहा है तो हम बोलेंगे हिज सन इफ ही रियली वांटेड द फोन. और यहाँ पे क्वेश्चन मार के हम लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे. तो पी डबल एन ए पेनी आस्क्ड ASKED हिज सन इफ ही रियली वांटेड WANTED द फोन FAWN. नेक्स्ट है मिलविल सैड विल ही राइड बैक विथ हिम. तो आपको आंसर में लिखना है पहले मिलविल, फिर लिखना है आस्क्ड इफ IF इफ ही वुड WOULD वुड राइड RIDE बैक BACK विथ हिम. अब ये कनेक्ट या जब फुल स्टॉप अपन ये कॉमा वगैरह हटाएंगे तो हम कनेक्टिव के रूप में इफ का यूज करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है ही सैड टू मिलविल डू यू थिंक द फोन इज स्टिल देयर. इसका होगा ही सैड टू की जगह आस्क्ड किसको मिलविल इफ ही थॉट
The phone was still there, or full stop. Next day, he asked Melville, "Will you help me find him?" इसका आंसर होगा he asked Melville. ये लिख के फिर लिखना we. If he would help him find the phone. Next day, he said, "Was it up here that Pa got bitten by the snake?" तो आंसर होगा he said that it was up. ये लिख के वापस यहाँ से here that Pa got bitten by the snake. फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है. ओके, ये आपको सिस्टमेटिक बुक में भी कर सकते हो, नोटबुक में भी कर सकते हो. नेक्स्ट एक्टिविटी है, लुक एट दिस टू सेंटेंस. ही थंबड बैकवर्ड, इट टर्न्ड इट्स हेड. द फर्स्ट सेंटेंस वाज एन इनडायरेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब विदाउट एन ऑब्जेक्ट. जो इस ये जो फर्स्ट सेंटेंस देखा है हमने, ये ही थंबल्ड बैकवर्ड यानी कि उसने पीछे की तरफ वह गिर गए. तो जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं हो, बिना ऑब्जेक्ट का जो सेंटेंस होता है उसको तो इनट्रांजिटिव सेंटेंस कहता है होता है. फिर इट टर्न्ड इट्स हेड, उसने अपने सिर को टर्न किया. सेकेंड सेंटेंस हैज ए ट्रांजिटिव वर्ब, इट हैज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ही कैन आस्क व्हाट डिड इट टर्न, यू कैन आंसर इट्स हेड. यानी कि सेकेंड वाला सेंटेंस होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है. इसमें ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उसने क्या टर्न किया, तो आंसर में हमको मिलेगा कि हेड, उसने अपना सी टर्न किया. जिसमें पीछे क्या का आंसर हमको मिल रहा है, ऑब्जेक्ट का आंसर हमको क्या में मिल रहा है, तो वो तो होता है ट्रांजिटिव, और जिसका नहीं मिलेगा वो होगा इनट्रांजिटिव. ओके, तो देखो इसमें भी दे रखा है, से वेदर द वर्ब इन ईच सेंटेंस बिलो द ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव. आस्क यूअरसेल्फ अ व्हाट क्वेश्चन अबाउट अ वर्ब एज इन द एग्जांपल अबो. यानी कि हम वर्ब से रिलेटेड हम व्हाट का क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर मिलेगा, और आंसर होगा उसका ऑब्जेक्ट के रूप में तो वो तो होगा ट्रांजिटिव, और नहीं होगा वो इनट्रांजिटिव. ओके, तो हम इसके ये बाकी के जो सेंटेंस है उसमें देखेंगे. जोडी देन वेंट टू द किचन, तो ये कौन सा हुआ, जोडी तब किचन की तरफ गया. तो क्या गया ये तो नहीं हो सकता, कहाँ गया ऐसा होगा, इसलिए ये क्या होगा इनट्रांजिटिव. इसकी स्पेलिंग ये पूरी आपको लिखनी है. ओके, सेकेंड है द फाउन वॉबल आफ्टर हिम. फाउन था जो छोटा हिरन था, वह आफ्टर हिम इसके बाद लड़खड़ाया. किसके बाद ये होगा, क्या लड़खड़ाया ऐसा तो नहीं होगा, इसलिए ये भी इनट्रांजिटिव. पूरी स्पेलिंग लिखना. ओके, यू फाउंड हिम, उसने उसको ढूंढ लिया. क्या ढूंढा, हिम उसको ढूंढा, ठीक है, तो ये होगा ट्रांजिटिव. ही पिकड इट अप, इसका आंसर मिल रहा है इट अप ऊपर की ओर, तो ट्रांजिटिव. ही डीप हिज फिंगर इन द मिल्क, तो इस ये भी होगा ट्रांजिटिव. ही ब्लीटेड फ्रेंटिकली एंड बूटेड हिम, तो ब्लीटेड फ्रेंकली में वर्ड का आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए ये तो ये फर्स्ट वाला तो होगा इनट्रांजिटिव और सेकेंड में होगा ट्रांजिटिव. ठीक है, नेक्स्ट है द फॉन सुक्ड हिज फिंगर, ये होगा ट्रांजिटिव. ही लॉर्ड हिज फिंगर स्लोली इन टू द मिल्क, ये भी ट्रांजिटिव होगा. He stabbed its small hoofs impatiently, transitive. He held his finger below the level of the milk, ये भी transitive. The fawn followed him, ये भी transitive. He walked all day, तो ये होगा intransitive. He stroked its sides, ये transitive. The fawn lifted its nose, transitive. Its legs hung limply, intransitive. तो ये सब आपको कंप्लीट पूरी स्पेलिंग लिखनी है बुक में. नेक्स्ट थर्ड वाली एक्टिविटी नहीं करनी है, फिर अदर एक्सरसाइज क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस. जोड़ीज थॉट कैप्ट रिटर्निंग टू, जोड़ी था उसने वापस जाने के लिए क्यों सोचा, द फॉन छोटे हिरन के लिए. द स्नैक बाइट, स्नैक
नहीं जब काटा तो क्या हुआ था, नियरली किल्ड पेनी, पेनी पेनी की मृत्यु पास में आ गई, इतना उसने काटा था, इतना जहरीला सांप था। द एक्ट ऑफ किलिंग द डॉय टू सेव हिज ओन लाइफ मेड पेनी, इसका आंसर है ग्रेटफुल। जो एक्ट डोई को मार देने वाला था और फिर पेनी की लाइफ उससे बची, तो ये क्या था, एक ग्रेटफुल एक्ट था। पेनी थॉट उसको उस हिरन का वो आभार व्यक्त कर रहे थे, उनकी वजह से उसकी लाइफ बच गई। पेनी थॉट जोड़ी टू बी, पेनी सोच रहा था जोड़ी क्या है, क्वाइट इंटेलिजेंट बॉय है। मिसिज बैक्स्टर वॉज नॉट अवेयर दैट मिसिज बैक्स्टर वॉज नॉट अवेयर दैट मिसिज बैक्स्टर क्या नहीं जानती थी, जोड़ी वॉज विद पेनी विद द स्नैक बीट हिम, यह आंसर होगा। तो हमारे चैप्टर कंप्लीट हुआ।